बॉलीवुड में कास्टिंग काउच अक्सर सुनने में आ जाता है और कास्टिंग काउच को लेकर अब ज्यादातर अभिनेत्रियां खुलकर बात करना चाहती हैं। ऐसे में अब एक्ट्रेस प्राची देसाई ने भी कास्टिंग काउच को लेकर अपने कड़वे अनुभव को शेयर किया है, जो कभी कास्टिंग काउच की शिकार हुई थी। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है। प्राची देसाई ने कहा है कि एक बड़ी फिल्म के निर्देशक ने उन्हें फोन पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था, जबकि वो ऐसा करने के लिए मना कर चुकी थी। इसके बावजूद निर्देशक ने उन्हें ऐसा करने के लिए कॉल किया था। प्राची देसाई ने साल 2006 में शो कसम से डेब्यू किया था। इस शो में उनके अलावा राम कपूर की अहम भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने साल 2008 में आई फिल्म रॉक ऑन में काम किया था। इसके अलावा वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन और अजहर में भी नजर आ चुकी हैं। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान प्राची देसाई ने कहा, एक बार मुझे एक बड़ी फिल्म में लेने के लिए निर्देशक ने फोन किया था, साथ ही उन्होंने मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा। ये एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए ऑफर था। जब मैंने ऐसा करने के लिए मना कर दिया, तब निर्देशक ने मुझे फोन पर इस बारे में बात की। इस पर मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम ही नहीं करना चाहती। प्राची देसाई हाल ही में रिलीज हुई फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म का निर्देशन भरूचा देवहंस ने किया था। इस फिल्म में प्राची देसाई के अलावा मनोज बाजपेयी, अर्जुन माथुर और साहिल वैद्य की अहम भूमिका थी। ये फिल्म Z5 पर रिलीज हुई थी। इसके पहले प्राची देसाई ने कम फिल्में करने के बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि वो रिपीटेटिव रोल नहीं करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी माना था कि उन पर पर्दे पर दिखने का दबाव है और उन्हें भी घर के खर्च उठाने हैं। हालांकि प्राची ने ये भी कहा था कि वो दबाव के आगे नहीं झुकेंगी। इस बारे में बताते हुए प्राची देसाई ने कहा था, अगर मैं दबाव के आगे झुक जाऊं, तो मुझे कई निर्देशकों और कहानियों में काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन भूमिकाओं से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे रोल मेरे करियर में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे, जिस कारण मुझे ऐसी फिल्में छोड़नी पड़ती है। प्राची ने यह भी बताया कि उन्हें ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। वेल, फिल्मी जगत की चकाचौंध के पीछे कई कड़वी सच्चाई है, जिसे अपनाना फिल्मी एक्टर्स के लिए आसान नहीं होता है।